नई नई रेसिपीज आसानी से सीखने के लिए मेरी थाली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चीज़ी पास्ता। सबसे पहले मैंने लिए है 200 ग्राम पास्ता, जिसे हमें अच्छी तरह से बॉईल करना है। तो मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है सारा पास्ता और उसमें डाला है 1 चम्मच ऑयल। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जब हम इसे उबालें तब ये नीचे बैठ ना जाए। अब मैंने इसमें डाला है 4 ग्लास पानी और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और गैस ऑन कर देंगे और करीब आधे घंटे तक हमें इसे बॉईल करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसे हमें बीच बीच में अच्छे से मिलाते रहना है ताकि ये नीचे बैठ ना जाए। करीब 15 मिनट हो गए और अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रोजन स्वीट कॉर्न, इसे भी हमें बॉईल कर लेना है 15 मिनट के लिए। तो पास्ता जो है उसे हम बीच बीच में ऐसे छुरी की मदद से चेक कर लेंगे कि ये इजीली कट होता है कि नहीं। तो ये इजीली कट हो जाए इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। ये देखिए, अब हम इसे छान लेंगे। अब मैंने लिए है एक कढ़ाई, इसमें डाला है मैंने 2 चम्मच घी, आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है 1 बाउल ऑनियन बारीक चॉप करके। इसे हमें अच्छे से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर बारीक चॉप किया हुआ और डालेंगे हम आधा शिमला मिर्च, वो भी बारीक चॉप करके। इसे भी हमें 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लेना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ पास्ता मसाला, उसके मैंने 3 पाउच इसमें डाले हैं। 200 ग्राम पास्ता लिया है तो 3 पाउच इसमें हमें लगेंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी ताकि मसाला जो है वो जल ना जाए और अच्छे से कुक हो जाए। बस अब हमें इसमें डाल देना है पास्ता और स्वीट कॉर्न और ऑलमोस्ट हमारे मज़ेदार पास्ता रेडी है। बस हम इसे एक अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे और इसे हम सर्व कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे ढेर सारा चीज़। तो ये चीज़ी पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक देना बिल्कुल मत भूलना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। ये रेसिपी मेरी सिस्टर की है, उसकी भी कुकिंग की चैनल है नए नए कुक, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ज़रूर से विज़िट करिएगा। थैंक यू सो मच।